नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ युव तरंग के आज के एपिसोड में। आज हम एक दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे, क्लासरूम यानी कि कक्षा। का नाम लेते ही हमारे जहन में एक ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है जिस पर एक टीचर चौक से कुछ लिख रही है और बच्चे बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन आज ये तस्वीर कुछ बदल गई है। तकनीकी क्षेत्र में हो रही उन्नति का असर क्लासरूम में भी दिखाई दे रहा है। हमारे क्लासरूम्स मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग लेने लगे हैं और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीचिंग लाइन से जुड़ी दो खास मेहमान। आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले श्रीमती स्नेहलता सिंह जो कि साइंस की टीचर हैं और डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव जो कि मास कम्युनिकेशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की इस खास सवाल से। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की इस पहले सवाल से। मैम, स्मार्ट क्लास ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है आजकल सुनने में आ रहा है। स्मार्ट क्लास आखिर है क्या चीज़, हमारे दर्शकों को बताइए। स्मार्ट क्लास जैसे आपने नाम लिया, ये वाकई स्मार्ट क्लास है। इसमें बच्चा ना सोता है ना खोता है, हमेशा उत्साहित रहता है और अपनी टीचर का इंतज़ार करता है कि मेरी टीचर कब आएगी और उस व्हाइट बोर्ड पर आके हमें पढ़ाएगी। जी, स्मार्ट बोर्ड इसमें दो तरह के जो हमारे बोर्ड होते हैं, एक ब्लैक बोर्ड सुना होगा आपने, ब्लैक बोर्ड होते थे पारंपरिक ब्लैक बोर्ड, हाँ, चौक के साथ बिल्कुल। अभी वो ग्रीन बोर्ड बन गया है, ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड हो गया है, थोड़ा बेटर होता है जी। पर अभी वो व्हाइट बोर्ड होता है। अच्छा, इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, हार्डवेयर होता है DTS डिजिटल टीचिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्टवेयर CTS क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें जो CTS है इसमें बहुत सारे टीचर्स के टूल्स दिए गए होते हैं। अच्छा, और उन टूल्स को यूज करके हम अपना टीचिंग करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल टूल्स के दे देती हूँ। इसमें म्यूमियो टूल होता है, नेटवर्क होता है, विजुलाइजर होते हैं, कैमरा होता है। तो एक तरीके से ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गया है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो एक पुराना समय होता था, बच्चे बैठ के सुन रहे होते थे, कुछ सो जाते थे, टीचर बोले जा रही है, तो वो दौर बदल के अब एकदम एडवांस्ड हो गया है जिसके जरिए क्लास आपकी स्मार्ट क्लास बन गई है। बिल्कुल सही। मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ इसका, आपने कहा स्मार्ट क्लास। तो जैसे पहले मैं कई साल से टीचिंग कर रही हूँ, 20-22 साल हो गया मुझे। तो पहले हम लोग, साइंस टीचर हूँ मैं, किसी ह्यूमन बॉडी को पढ़ाना चाहती थी तो मैं किताब से पढ़ के पढ़ाया करती थी। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना है, बॉडी के पास पढ़ाना है, तो या तो कोई चित्र लेके आते थे, उससे एक्सप्लेन किया करते थे, और या तो किसी बहुत अच्छा किया तो एक बच्चे को खड़ा कर देते थे और उसके बॉडी पार्ट्स दिखाते थे, उसके मूवमेंट्स दिखाते थे, बताते थे भाई लेफ्ट साइड में हार्ट है, लंग्स है, कैसे वर्क करते हैं। कुछ सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे, और कुछ मेरा दोस्त खड़ा है, बिल्कुल समझ आता था नहीं आता था। लेकिन वो अभी बिल्कुल इसके सिस्टम के आने से चेंज हो गया, स्मार्ट सिस्टम से आने से। जैसे मैं आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रही हूँ, हार्ट का फंक्शन पढ़ा रही हूँ, तो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जो टूल्स बताए मैं CTS में मॉड्यूल्स होते हैं। तो उस टूल्स को हम यूज़ करके उस वाइट स्क्रीन बोर्ड के ऊपर वो हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है जी। और हार्ट का वो जिस साइड है उस साइड आएगा वो, और फंक्शन कंडीशन में आएगा जी। उसमें कैसे ब्लड उससे आर्टरी से बॉडी के सब पार्ट्स में जा रहा है, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। तो एकदम 3D फिगर, चलचित्र के रूप में रंग बिरंगे चित्र क्लास में दिखते हैं, तो मन भी लगा रहता है। जैसे मैं कहूंगी कि किताबें तो स्थिर अवस्था में थी, अब ये बिल्कुल जीवांत हो जाता है और इससे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा है। मैं बताऊंगी कोई बच्चा फेल नहीं होता, पास परसेंटेज काफी बढ़ गई है। डॉक्टर गरिमा, अगला सवाल मेरा आपसे है, ये तो हुई स्कूल लेवल की बात, उच्च शिक्षा में कॉलेज लेवल पर तकनीक किस हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में काम आ रही है, हमें बताइए। देखिए, उच्च शिक्षा में तकनीक का उपयोग बहुत बढ़ गया है। जैसा मैम स्नेहलता ने कहा कि स्मार्ट क्लास का उपयोग तो है ही, ये इसी ठीक इसी तरीके से उच्च शिक्षा में भी स्मार्ट क्लास काम में ली जा रही हैं, और साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की सहायता से ही आजकल सारे लेक्चरर्स एक बोरिंग लेक्चर ना दे करके और अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और वो प्रेजेंटेशन से ही सारा ऑडियो विजुअल टेक्स्ट सारी जो चीज़ें हैं उसमें एक साथ हम मिला सकते हैं सारी चीज़ों को एक साथ, और बहुत सारे उदाहरण क्रिएट करके और ऑडियो विजुअल फिल्म्स का यूज़ करके वक्त भी कम लगता है, वक्त भी कम लगता है, और बिल्कुल पॉइंट की तरह से पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर में ये संभावना होती थी कि
एक लेक्चरर अपने अगर विषय से भटक गया, कोई और चीज़ शुरू हो गई, तो बच्चे भी, बच्चों का ध्यान भी भटक जाता था और बोरिंग लेक्चर पीछे वाले बच्चे तो सो ही जाते थे। लेकिन अब ये संभावना बहुत कम हो गई है। एक तो जो प्रेजेंटेशन आपका पहले से तैयार है तो वो टीचर को भी भटकने नहीं देता, एकदम वहीं पर ऑर्गेनाइज रहता है, और बच्चों को भी बुक्स, कौन से रेफरेंस बुक्स हैं, कौन से मटेरियल हैं, कौन से वेबसाइट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस एक साथ प्रेजेंटेशन से मिल जाती है जी। और भी कुछ जैसे मैंने सुना है ई लाइब्रेरी, ई कैंपस, ये सब बहुत सुनने आ रहा है, इनके बारे में कुछ बताइए। बहुत देखिए, उच्च शिक्षा में शोध का बहुत महत्व है, और अगर उच्च शिक्षा में शोध ना हो और शोध के लिए हम अगर विद्यार्थियों को तैयार ना कर सकें, उस तरीके का उनका ओरिएंटेशन, उनकी मानसिकता ना बना सके, तो उच्च शिक्षा ही बेकार है। वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे जैसे देश में जहाँ अभी हम लोग शोध के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा ही था रिसेंटली कि शोध बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत तो सभी जानते हैं। और इस खास क्षेत्र में मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग है तकनीक का, क्योंकि ई लाइब्रेरी एक ऐसा फंक्शन है, बहुत सारी ई लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, और उनका सब्सक्रिप्शन ले करके जिस भी क्षेत्र में हम शोध कर रहे हों उसमें पहले से कौन से शोध हुए हैं, वो सारे पूरे विश्व भर में जितने शोध हुए हैं, सैकड़ों किताबें बच्चों को, सैकड़ों किताबें के ऊपर अवेलेबल, एक क्लिक का क्लिक पर पहले हुए शोध, उनके रेफरेंसेस, किताबें, जर्नल्स, ये सब उस पर उपलब्ध है। पुरानी लाइब्रेरी पुस्तकालय होता है, उसमें जाके एक एक किताब ढूंढने में वक्त जाया होता है, वो भी बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, समय बचता है, बहुत बहुत समय बचता है। एक पुस्तकालय में देखिए सभी कुछ उपलब्ध नहीं होता, नहीं हो, फिर वो पुस्तकालय से पुस्तकालय आप भटक रहे हैं, और वहाँ पर भी आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किताबों की सार संभाल कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, जी, जी, वो जी, सारा बहुत बड़े मुद्दे थे कि आप कितनी सारे रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि पुराने पुस्तकालयों में संभाल के रखा नहीं जा सका किताबों को, अब ये संभाल के रखना बहुत आसान हो गया है। और मैं अगला सवाल आपसे करूंगी मैम, ये तो हमने आप बहुत सारी फीचर्स आपने बताए कि किस तरीके से स्मार्ट क्लास में आप पढ़ाते हैं, तो कुछ इसमें क्या टूल्स आप यूज में लेते हैं उनके बारे में बताइए, जो कुछ खास दिलचस्प टूल्स हैं जो आप यूज में लेती हैं। अच्छा, इसमें टूल्स तो देखिए मैं बताऊँ, बहुत अनगिनत टूल्स हैं इसके अंदर, तो मैं एक टूल बताती हूँ आपको, 3D का बता देती हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने आपको बताया कि पहले मैं पुस्तक से पढ़ाया करती थी, तो मैं आपको जैसे रिप केज पढ़ा रही हूँ मैं पसलियों के बारे में। तो पहले हम पढ़ाते थे कि इसके अंदर हार्ट और लंग्स सेफ रहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, और आगे ये चेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं और पीछे बैक बोन से जुड़ा होता है। तो रिप केज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं पता, बच्चे अपनी दुनिया में खो गए, उन्होंने आगे कहाँ जुड़ा है, पीछे जुड़ा है, और क्या केज है, क्या डिब्बा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, समझ में अच्छे से उन्हें नहीं आता था, पिक्चर क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें खुद इमेजिन, खुद सोचना पड़ता था। और अभी क्या है कि 3D आने से, इसमें जो टूल है स्मार्ट क्लास के अंदर, इसमें तीनों साइड्स आते हैं, आगे का भी आएगा, पीछे भी आएगा, साइड भी आएगा। तो जैसे मैं इनको अगर मैं रिप केज उसके अंदर डालूंगी क्लिक करके, तो उसमें बिल्कुल क्लियर आएगा कि जो आगे पसलियाँ हैं चेस्ट बोन से ज्वाइन कर रही हैं, पीछे बैक बोन से ज्वाइन कर रही हैं, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है हार्ट और लंग्स, वो भी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, उनको फंक्शन फंक्शन दिखेगा, एक साथ उन्हें दिख जाती है, एक साथ क्लियर हो जाता है और फंक्शन करते हुए दिखती हैं जी जी। तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत अच्छा समझ में आता है। सेकंड टूल जो बहुत यूज़ होता है, टूल्स इनफैक्ट सारे बहुत यूज़ होते हैं, एक विजुलाइजर टूल्स के अंदर है, उसमें कैमरा होता है, हमारे सिस्टम के साथ कैमरा लगा होता है बोर्ड के साथ में, और कैमरे के आगे एक फ्लैट बोर्ड होता है। तो अगर मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सपोज़ फूल पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं फूल आके बोर्ड पे ड्रॉ करती थी, कलर चॉक से ड्रॉ करती थी, पाँच दस मिनट लगता था, लेबलिंग करती थी, बच्चे उसको बनाते थे,
अभी वो तकलीफ नहीं होती, हम पहले से ड्रॉ करके ला सकते हैं फ्लावर को, या मेरे पास कोई पिक्चर बुक से कहीं से पिक्चर मिले हमें, कुछ भी उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सामान मिलता है तो हम कंटेंट को ला सकते हैं और कैमरे के आगे रख सकते हैं। तो मैंने वो फ्लावर कैमरे सामने रखा तो वो उस बोर्ड के ऊपर बिल्कुल क्लियर हाईलाइट होके आ जाता है। वो छोटा सा फूल एक बड़े चित्र के रूप में पूरी क्लास को दिखाई देता है, दिखता है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ तो मैं याद कर सकती हूँ, जैसे हमारी टीचर कुछ खास दिखाने के लिए लाती थी तो वो पूरी क्लास में आगे सर्कुलेट करने के लिए दिया जाता था। और जब तक होता था पीरियड खत्म हो जाता था और बच्चे खो जाते थे कि क्या देखने के लिए बोला था। देते थे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपका साइंस स्टूडेंट आप बताया मुझे, तो उसमें जो पिस्टल होती थी, परागकण होते थे, हम पूरे क्लास में दिखाते थे भाई ये परागकण है कि बच्चे देख ले और प्रैक्टिकल उनको नॉलेज हो इस चीज की हो। तो पूरी क्लास में घूमते घूमते वो तो तब तक टूट के बराबर, बच्चे शैतान थोड़े होते हैं तोड़ देते थे। और अब तो पहले तो बच्चे भी 30-35 होते थे, 40, अब तो स्ट्रेंथ भी 60-65 होती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं क्लास में पास करूं। तो मैं वो जब बैक सेट करती हूँ फ्लावर को, वो भी मैं उसको करके कैवेंचर देती हूँ, तो बहुत क्लियरली वो पिस्टिल या प्राकरण जो होते हैं पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ कम समय में क्लियरली दिख जाता है। तो ये आपने बताई हमें कुछ खास टूल्स, विजुअलाइज़ तो क्या इस सब के होते हुए भी आप वो जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड होता था उसे मिस करती हैं? नहीं, ब्लैक बोर्ड तो हमारे हटाए नहीं गए हैं ना, ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है उसके साथ वो ग्रीन बोर्ड हमारे लगे हुए हैं अभी भी है वो है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और इसमें एक टूल है मिमियो टूल, उससे ब्लैक बोर्ड भी है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड आ जाता है और उसमें हमें स्टाइलस दिया जाता है, जो हम पेन चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो इसमें स्टाइलस होता है, तो स्टाइलस से हम वो व्हाइट बोर्ड खोलकर मिमियो टूल के अंदर और उससे हम ब्लैक बोर्ड पे अपनी टीचिंग करते हैं। तो मतलब ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं ये इन एडिशन हैं, साथ में इस्तेमाल की जा रही हैं आपके ब्लैक बोर्ड और जो ग्रीन बोर्ड है उसके साथ में, उसे रिप्लेस नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें उसमें तो मुझे कलर्स भी मिल जाते हैं, मैं जो भी पिक्चर बना रही हूँ डायग्राम बना रही हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती ब्लैक एंड व्हाइट कलर पिक्चर आप बना सकते हैं, चॉक से कुछ चॉक्स हैं कुछ नहीं है, पर यहाँ तो इसमें इतने कलर्स होते हैं हम जो पिक्चर चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। मैथ्स में भी यूज़ करती हूँ मैं और साइंस में भी यूज़ करती हूँ। वाकई में एक स्मार्ट क्लास है, बिल्कुल स्मार्ट क्लास है ये। अगला क्वेश्चन मैम मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी आपने शोध की इम्पोर्टेंस की बात की थी, तो शोध के लिए क्या क्या नए सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉलेज लेवल पर बच्चों को उपलब्ध हैं उसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, शोध के लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, क्योंकि एक देखिए जब इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है तो उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं और दुरुपयोग भी होते हैं। तो बच्चे ये भी करते हैं कि जब बहुत सारे है तो सीधा वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और ले लिया, तो शोध में ये एक बहुत बड़ी बाधा होती है कि हम किसी और का लेके अपना रिसर्च बता दें, अपना रिसर्च बता दें, उसको अपने सामग्री की तरह से उसको प्रकाशित करें या दावा करें कि यह हमारा है। वो चेक करने के लिए एक जो सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म चेक के लिए आया है, जिसमें अगर ग्रामर की भी गलती है, व्याकरण की गलती भी वो बताता है और कहाँ से उठाया गया है कोई सामग्री ये स्पष्ट बता देता है। तो ये एक बहुत बड़ा उपयोग है इसका जी। और इसके अलावा फ्यूचर में कुछ नया कोई सॉफ्टवेयर आने वाला है जो मतलब टीचिंग स्टाइल को और ज़्यादा एडवांस बना देगा इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए एक तो एक साथ एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों से बात कर सकते हैं और जैसा मैम ने भी अभी बताया कि इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है क्लास में। और उसमें एक ये होता था कि एक टीचर अगर 60 बच्चों से बात कर रहा है बहुत मुश्किल है कि सब पे उतना ही ध्यान दे पाए। और ये चीज़ अब क्योंकि अब आप कैमरे की सहायता से सबके पास अपना अपना मॉनिटर है, अपने अपना, अब ये चीज़ हो जाएगी धीरे धीरे कि क्लासरूम में केवल एक स्क्रीन पर ही सब नहीं देख रहे हैं, सबके पास अपना अपना स्क्रीन है, हाँ, आईपैड की सुविधा ये आ जाएगी जी, शुरू हो जाएगा जी, तो वो ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सबको बिल्कुल व्यक्तिगत पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो जाएगा एजुकेशन। और ये चीज़ केवल क्लास में ही शेयर नहीं हो पाएगी, बल्कि जो लोग शोध कर रहे हैं उनके साथ अगर हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने क्या जो तरीका अपनाया है जी, तो उनसे हम डायरेक्ट टच में रह सकते हैं। बिल्कुल, उनसे टच में फायदेमंद चीज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल स्नेहलता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने मतलब 22 साल टीचिंग को दिए हैं करीबन, हाँ। तो अब और पहले में मतलब कितनी आसान हो गई है आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है, आपको पढ़ाना कितना आसान हो गया है इसकी मदद से? पढ़ाना तो बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। मैंने आपको टीचिंग का बताया कि जब
सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स हो साइंस हो, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए आप ड्राइंग टीचर की बात ले लीजिए, उसके लिए भी एक मोमियो टूल है उसके अंदर। पहले ड्राइंग टीचर को चॉक से ब्लैक बोर्ड पर अपने फिगर्स बनाने पड़ते थे, चित्र बनाने पड़ते थे। अभी उसके मोमियो टूल में उसके पास ब्रश होता है और पेंसिल या पेन जो भी होते हैं, हाथ भी गंदे नहीं होते। हाँ, जितने मर्जी वो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और कलर्स कर सकते हैं। म्यूज़िक टीचर की बात होती, पहले कुछ फंक्शंस होते थे तो एक टीचर पढ़ाने एक गाना सिखाने में ही थक जाती थी, क्योंकि उस गाने को उसे पहले ब्लैकबोर्ड पर लिखना पड़ता था और फिर उसकी वो सुर और लय सिखाती थी। अभी आप इसमें म्यूज़िक में इसमें इतने टूल्स हैं कि आप एक क्लिक करिए पता नहीं कितने गाने निकल आएंगे। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं, प्रेयर हैं, वो म्यूज़िक के साथ होते हैं तो बच्चों का ध्यान भी लगा रहता है उसमें पूरा। उसके स्क्रीन पे उसकी लिरिक्स भी आ जाती है और बच्चे स्वर और लय भी सीख जाते हैं। जी जी, टूल्स तो बहुत हैं इसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। गरिमा मैम, आप बताइए कि आप क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड से जुड़ी हैं, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, तो इस फील्ड में खास करके जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर आप यूज़ में लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की टीचिंग में? देखिए, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए, मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही, एक तरह से आप ये मानिए कि बिना तकनीक के चल पाना ही संभव नहीं है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करना सीखते हैं, वो सॉफ्टवेयर से होता है। मैगजीन्स बनाते हैं, हमारे विभाग में ही न्यूज़पेपर बनाते हैं, मैगज़ीन बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग लिखना सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो सीखते हैं सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है। तो ये हम लोग प्रेजेंटेशन और तय तकनीक ये सब कुछ हम सिखाते ही हैं, और इसके अलावा अपनी फिल्म्स बनाते हैं, फिल्में बनाना सीखते हैं, छोटी फिल्में बनाते हैं। तो वो तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही होगा, एडिटिंग का सारा काम सॉफ्टवेयर की मदद से। तो क्या बच्चे सॉफ्टवेयर बनाना भी सीखते हैं किसी प्रकार का? नहीं, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं सीखते, प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो बना होता है, उसको उपयोग में लाना सीखते हैं जर्नलिज्म के बच्चे। तो जर्नलिज्म में तो इसका भरपूर प्रयोग है, टेक्नोलॉजी के बिना पढ़ पाना, आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाके उन्हें काम करना है वो सब तकनीक ही काम में ला रहे हैं। अगर वो सीखेंगे नहीं तो जाके आगे काम नहीं कर सकेंगे। बच्चे तो आजकल यूज्ड टू है, मैं तो बताऊंगी, इसके बिना उनका बिल्कुल पढ़ाई या कोई भी काम मन ही नहीं लगता है, वो सिर्फ किताब खोल के बैठ जाने में उनका दिल नहीं लगता है। मैम, जैसे आपने बताया आपके स्कूल में तो ये स्मार्ट क्लासेस का उपयोग हो रहा है भरपूर रूप से, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये कितने क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा है, कितने स्कूल्स इसे यूज़ में लेने लगे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जितने भी शहरों में स्कूल जो हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूलों में है ये स्मार्ट क्लास, बहुत सारे स्कूलों में है। मे बी सब क्लासेस में ना हो, सब क्लासेस स्मार्ट क्लासेस है, मेरे स्कूल में तो सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं। तो कुछ स्कूलों में तो सब क्लासेस में हैं, पर कुछ में उन्होंने कुछ क्लासेस में स्टार्ट किया है, और जो रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें शायद अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। दूर दराज के इलाके अभी भी वही पारंपरिक तरीके से चल रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के क्लासेस जो होती हैं, और मेरे हिसाब से वहीं पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ जितनी इसमें टेक्नोलॉजी है वहाँ तो ज़रूर होना चाहिए उन बच्चों के लिए भी। पर देखो, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं IT वर्ल्ड बनाऊंगा, शायद वहाँ तक पहुँच जाए, शायद एक दिन आए ऐसा जब दुनिया के भारत के खासकर भारत के सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे कि देखिए मैम, किसी भी चीज़ के अगर फायदे हैं तो नुकसान ज़रूर साथ में आते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी आई है तो फायदे हैं नुकसान भी होंगे। सबसे पहले डॉक्टर गरिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या नुकसान या क्या क्या ड्रॉबैक्स आपने देखे हैं टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सेक्टर में आने से? देखिए, ड्रॉबैक्स काफ़ी सारे हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की कि कॉपी और पेस्ट, ये जो एक ऑप्शन है तो ये है सुविधा के लिए, उपयोग के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। कोई भी असाइनमेंट दिया गया है, कॉपी किया, पेस्ट किया और वो तैयार हो गया, सबमिट, प्रिंट करके सबमिट कर दिया, तो ये बहुत सुविधा हो गई। तो बच्चों के लिए सुविधा हो गई, टीचर्स के लिए दुविधा हो गई, दुविधा हो गई, क्योंकि काम तो आ गया है लेकिन अब उस पे नंबर कितने दिए जाएं वो बहुत बड़ी दुविधा है, मुश्किल हो जाता है। तो वो एक ये है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, देखिए ये फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक बटन दबाते ही साम्राज्य है इन्फॉर्मेशन का, है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें से क्या चीज उपयोग की है, क्या नहीं है,
किसकी विश्वसनीयता है और किसकी नहीं है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि आप कुछ भी लिख करके उस पर डाल सकते हैं और हर वो चीज जो इंटरनेट पर उपलब्ध है उसको सही मान लेना बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई भी लिख करके और पोस्ट कर सकता है। विश्वसनीयता को चेक करना बहुत जरूरी है। प्लस ये है कि किताब पढ़ने की आदत ही छूट गई है। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, शब्दों के साथ पहचान होना बहुत जरूरी है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपका सारा ध्यान उसमें लगता है, आपकी खुद की इमेजिनेशन आती है, बट अब क्या है, एक चीज पढ़ने के बजाय बच्चे जाकर उसका वीडियो देखना ज्यादा आसान समझते हैं, और जैसे ही वीडियो देखते हैं कल्पनाशीलता को, इमेजिनेशन को हम वहीं नष्ट कर देते हैं, जो बहुत जरूरी है। एक बच्चे में इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाशीलता का विकास होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमें संतुलन रखना पड़ेगा, कितना उपयोग करें, किसके आगे न करें, और बच्चों को ये शिक्षा भी दें कि तकनीक का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसको समझ के करें, उसको बिल्कुल बिल्कुल कहाँ तक करें। तो इस चीज पर भी मेरे ख्याल से जोर देना होगा, सिर्फ तकनीक ही तकनीक को अपना लेने में फायदा नहीं है, हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि उसका सही उपयोग कैसे करना है, सही उपयोग हो, और पढ़ने की आदत किसी भी कीमत पे छूटनी नहीं चाहिए। किताब की अपनी महत्व है और वो महत्व हमेशा रहेगा। अगर शब्दों का, भाषा का महत्व हमें बनाए रखना है तो किताब का महत्व हम नहीं छोड़ सकते। किताबों को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरी धारणा तो यही है, सही धारणा है। तो कुछ ड्रॉबैक्स मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। अब जैसे गर्मा जी ने आपको बताया ना, ये सारी प्रॉब्लम इतने सालों में मैंने भी जाना, जब ये स्मार्ट क्लास शुरू हुआ, मैंने आपको बताया ना, पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ किया करती थी, बच्चे उसको बनाते थे। जब अभी इतना अच्छा उनको बना बनाया मिलता है, विजुलाइजर पे दिखाती हूँ, तो वो बनाने की जरूरत समझते ही नहीं है, और जब बनाते नहीं है, और जब एग्जाम्स में इनको डायग्राम बनाने के लिए आता है तो वो नहीं बना पाते, नहीं बना पाते हैं, क्योंकि दिमाग में तो है, वो चलता हुआ चलता है, लेकिन कागज पे उतार नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस, पहले हम लोग कितने डायग्राम्स बनाते थे, हमारी फाइल्स हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो वो जब हार्ट का डायग्राम मैम बनाती थी तो हम साथ साथ लगे रहते थे बनाने में, और अब शायद से ये खत्म होता जा रहा है। जब पढ़ाया पहले और अब मैं यही अंतर देखा कि अब बच्चे बिल्कुल नहीं बनाते हैं, लिखाते हैं वो भी लिखते नहीं। जब मैडम ने बताया कि प्रिंट आउट, अभी मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट देती हूँ वो सब प्रिंट आउट ले आते हैं, आजकल सीसी पता है आपको शुरू है कि कितना भी काम दो वो सारे नेट से निकालते हैं, प्रिंट आउट जमा कर देते हैं, वर्किंग मॉडल दो तो बाजार से बनवा के ले आते हैं। हर चीज बहुत ही सोचने की जरूरत, समझते ही नहीं है, जैसे आपने बताया कि इनके अंदर वो होता ही नहीं है, और जब कुछ लिखना होता है लिख नहीं पाते हैं। और लिखने और पढ़ने दोनों के लिए मैं कहती हूँ कि पहले दिमाग को सोचना पड़ता है, पहले उस जब भी कुछ भी लिखना होता है तो पहले दिमाग में वो खाका तैयार होता है कि मेरे को ये लिखना है। तो अभी एप्लीकेशन लिखने को दीजिए, बच्चों को नहीं लिख पाता है वो, बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल लेता है, खाली मुझे यहाँ पे ये कमी लगी कि इन्होंने लिखना पढ़ना बहुत कम हो गया। और उसके साथ ही हेल्थ के हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि आंखों पे बच्चों की मुझे असर पड़ता है। मैंने जैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्लास के अंदर मुझे इतनी बोर्ड के ऊपर लाइट चलती है, कुछ बच्चे जरूर मैं देखती हूँ कि कहते हैं कि मैडम मुझे परेशानी हो रही है, तो आँख पे मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत इसका असर पड़ता है, होगा। और साथ ही एग्जाम टाइम में जब वो एक तो क्लास में जब उन्होंने चलते हुए चित्र से समझा और एग्जाम टाइम में जब किताब खोलनी पड़ती होगी तो बड़ी मुसीबत आती होगी बच्चों को। किताब तो ठीक है, जब कॉपियां चेक करते हैं उनके लिखने से पता चलता है कि हाँ इनको बहुत मुश्किल हुई लिखने में, बहुत कम लिख पाते हैं हम लोग। पहले हमें कितनी कॉपियां भरते थे, लिखने की आदत होती थी ना, लिखने की आदत बहुत कम हुई है। इनके डायग्राम देखो, उससे पता चलता है कि हाँ इनकी प्रैक्टिस नहीं है डायग्राम। एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगी मैम कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी आप क्लास में तो उपयोग में ले रहे हैं, तो बच्चे जब घर पे पढ़ते हैं तो क्या उनकी परफॉर्मेंस को घर बैठे मॉनिटर करने का कुछ सिस्टम है इस स्मार्ट क्लास के जरिए? नहीं, घर बैठे तो हम लोग उसको मॉनिटर अभी तो नहीं कर पाते, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शुरू होगा फ्यूचर में, मैंने इसको सुना है, पर अभी तो हम जो क्लास में करते हैं क्लास में ही मॉनिटर कर पाते हैं। जी, राउंड लेकर कर पाते हैं, क्योंकि हम जब मैंने क्लास में लगा दिया और उसके बाद हम राउंड लेके देखते हैं कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये तो स्कूल की अटेंडेंस तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, बंक करने का सवाल नहीं होता। मैम मैं आपसे पूछूंगी, कॉलेज में बच्चे बंक करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, तो क्या तकनीक के जरिए हम अटेंडेंस मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है जो ई कैंपस एप्लीकेशन एक हो गया है, कि हम लोग रोज अपना अटेंडेंस का जो स्टेटस है वो पोस्ट कर देते हैं वेबसाइट पर, अपना ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं,
वो अटेंडेंस उनके पेरेंट्स देख सकते हैं हर दिन का, तो एक ऑनलाइन अकाउंट होता है जिसके जरिए उसका आईडी पासवर्ड पेरेंट्स के पास है और वो अपने बच्चे को वो अपने चेक बच्चे का बिल्कुल वो अपने बच्चे का देख सकते हैं। तो वक्त की कमी रहते हुए मैम मैं चाहूंगी कि अब जाते जाते आप दोनों एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें। मैम सबसे पहले आप देखिए, स्मार्ट क्लास की मैंने इतनी खूबियाँ बताई, वाकई स्मार्ट क्लास ने पूरी क्रांति तो लाती है एजुकेशन सिस्टम में, पर जो हमारी पुरानी पद्धति थी पढ़ाई की शिक्षा की वो भी बहुत अच्छी थी। हाँ, उसमें भी बहुत खूबियाँ थी। तो मेरा मानना है अगर दोनों पद्धतियों को साथ लेके चला जाए तो हमारा देश पढ़ाई के क्षेत्र में पहले भी बहुत आगे था और भी आगे जाएगा। गरिमा मैम आप बताएं कुछ। देखिए मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि तकनीक का उपयोग बहुत अच्छा है, तकनीक ने बहुत हमें सुविधाएं दी हैं और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि तकनीक कहीं शिक्षक को ही हटा ना दे, रिप्लेस ना कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जब एक शिक्षक के माध्यम से मिलती है तो वो अपने साथ उस शिक्षा के संस्कार को भी लेकर के आती है। तो हमें एक संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब मैं अपने दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहूँगी और जाते जाते बस इतनी ही बात कहूँगी कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो ब्लैक बोर्ड है, उनका महत्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। अगले हफ्ते एक और नए दिलचस्प मुद्दे के साथ फिर से लौटूंगी, तब तक के लिए तमन्ना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।